राम सिंह ठाकुर जी के समर्पित करते हैं। एक तो उनका सवा जन्मदिन है जो कि 15 अगस्त को मनाया जाएगा, और हर साल की भांति इस साल भी हम ये जो है नोवा टूर्नामेंट है, और ये हम 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इसका आयोजन करते हैं। और मेन हमारा मकसद यही रहता है कि जैसे कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी जिन्होंने हमारे राष्ट्र गान का धुन जो है उन्होंने बनाया था, और आज के जो न्यू जनरेशन है खासकर हमारे यंग जनरेशन, उनको कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, उसको उससे भी मतलब अवगत कराने के लिए उनको कि भाई हमारे कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी जो खन्यारे से ही संबंध रखते थे वो, और बाकी जो हमारे यंग जनरेशन उनको पता लगे कि उन्होंने राष्ट्र धुन का निर्माण किया है बनाया है। इसके लिए हम ये टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, और साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उनमें जागरूकता आए, और वो भी हमारे जो कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी थे उनकी तरह मतलब आगे अपने राष्ट्र के लिए कुछ समर्पण कर सके। ठाकुर जी जो कि उसी क्षणों में तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे जिसके नाम से टूर्नामेंट हो रहा है कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी, जिनका जन्म जो है 15 अगस्त के दिन हुआ, और 15 अगस्त जो है पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए। और जो कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी जो कि हमारे राष्ट्रीय गान का धुन जो जिन्होंने बनाया वो हमें बहुत गर्व की बात है। और ये जो है हमारा ये फेस्टिवल की तरह हम पूरे 3 दिन 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त और 15 अगस्त तक हम इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है जो कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, और इसमें जो है पूरे जिला के जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो हमारे फुटबॉल क्लब हैं वो यहाँ आके पार्टिसिपेट करते हैं। सेना से भी टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसमें पूरा जोश है हमारे पूरे युवा में। और एक इसी टूर्नामेंट के बहाने जो है हमारे हिमाचल और जिला कांगड़ा के जो फुटबॉल का स्तर है वो ऊपर उठाने में काफ़ी मदद दे रहा है। टीम यूनाइटेड जो है वो 2-0 से बढ़त बनाए हुए। जिनके याद में हम ये सेलिब्रेट करते हैं, मना रहे हैं फुटबॉल मैच और ये 15 अगस्त, वो भी इसी गांव के हैं, और एक इतनी लकी हो कि उनका जन्म भी 15 अगस्त 1914 हुआ था, और उनके पिताजी एक आर्मी मोहल्लेदार थे, और वो एक सिपाही रैंक से 2nd/1st गोरखा राइफल में भर्ती हुए थे, और शुरू से ही वो बहुत वफादार थे, गेम में भी थे, लेकिन उनका ध्यान ज़्यादा संगीत में बहुत ज़्यादा था। और कहते हैं कि किसी एक अंग्रेज साहब ने उसको वायलिन दिया इनाम के तौर पे, उस दिन से वो और भी अपने संगीत में बिल्कुल हो गए। जब सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद ये हैरानी की बात यह है कि 14 साल की उम्र में 1928 में वो भर्ती हो गए। और जब ये इनका फोटो हमारे पास है नेहरू जी के साथ, गांधी के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो कि कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था, टैगोर जी ने, उसके दिन उन्होंने बनाई हुई है। और फिर जब एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको बोला, राम सिंह ऐसा करो जब हम युद्ध भूमि पर चलें तो ऐसा संगीत दो कि जो हम जोश आए हमारे फौज को जब हम युद्ध भूमि पर मार्च करते हैं, तो तब इन्होंने वो देखा कि कदम कदम बढ़ाए जस खुशी के गीत गाए जस जिंदगी है कौम पे लुटाई। और इसके इतने और भी गाने हैं, ये तो कुछ आज़ादी भी गाने हैं, दूसरे हमारे संस्कृति के ऊपर भी गाने हैं, तो इस तरह से इन्होंने किया। Come up!